बलरामपुर जिले में लगातार एसपी नेताओं के दल बदलने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दरअसल बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले राजाराम गौतम ने एक बार फिर से पारा बदलते हुए अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजाराम गौतम की ज्वाइनिंग वर्तमान राज्य मंत्री परशुराम ने कराई है। राजाराम गौतम ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं और जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि राजाराम गौतम बीएसपी जिला अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने वहां पर मंडल को ऑर्डिनेटर तक का सफर तय किया था, लेकिन बीएसपी में पूर्ण सम्मान न मिलने के बाद उन्होंने बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। 2022 चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एसपी ज्वाइन करने वाले गौतम बलरामपुर सदर सीट से टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। लंबे प्रयास के बाद भी जब राजाराम गौतम को एसपी का टिकट हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा से पार्टी बदलने का मूड बना लिया। फिलहाल बलरामपुर जिले में एसपी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसपी पार्टी इस मामले पर किस तरह से रिएक्ट करती है।